हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विष्णुकांत सिंह। वेलकम यू ऑल इन एडमिशन मीडिया। आज हम बात करने वाले हैं सीपीएस एफसीपीएस के रिगार्डिंग। एक सबसे कॉमन और एक सबसे बड़ा क्वेश्चन पूछा जाता है जब भी आप किसी के से बात करते हो सीपीएस एफसीपीएस के रिगार्डिंग, वो सवाल ये है कि क्या मैं सीपीएस एफसीपीएस के बाद सेकेंडरी डीएनबी, सीपीएस के बाद सेकेंडरी डीएनबी एंड एफसीपीएस के बाद फाइनल डीएनबी या डीएनबी एग्जिट का एग्जाम दे सकता हूँ या नहीं। इस क्वेश्चन का मैं यहाँ पे आंसर करने वाला विद द वैलिड प्रूफ जो मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगा। अब उसका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको बता दूंगा, आप उसे खुद से भी वेरीफाई कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, साथ में हमारा टेलीग्राम पे चैनल है एडमिशन मीडिया, आप उसे ज्वाइन करके रखो। कभी कभी क्या होता है कि आपके जो कमेंट में क्वेश्चन आते हैं वहां पे हम रिप्लाई आपको नहीं कर पाते, तो आप ये सारे क्वेश्चन हमें टेलीग्राम पे पूछो या डायरेक्टली व्हाट्सएप नीचे दिए हुए नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हो। वी विल आंसर यू देयर, बिकॉज टीम ऑलरेडी थोड़ी चीजों में बिजी रहती है, इस वजह से हो सकता है वो कभी आपको रिप्लाई ना दे पाए, इस वजह से आप ये चीजें चूज करो। साथ ही मैं बता दूं कि अगर आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग आप अपने ब्रांच सेलेक्ट करने में नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कि कौन सा कॉलेज मिलेगा, क्या बजट पड़ेगा, यह सबसे बड़ी चीज। अगर आप सीपीएस एफसीपीएस के लिए भी एडमिशन देख रहे हो तो यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट अस, वी विल श्योरली हेल्प यू टू गेट योर एडमिशन इन योर फेवरेट ब्रांच, इन योर फेवरेट कॉलेज, इन द लोएस्ट टू द लोएस्ट पॉसिबल बजट फॉर यू। अब मैं बात करता हूँ क्या मैं सीपीएस करने के बाद में सेकेंडरी डीएनबी का एग्जाम दे सकता हूँ। जी हाँ, आप बिल्कुल दे सकते हो। इसके लिए मैं बताता हूँ, एक केस फाइल हुई है। प्रूफ में क्या है कि लास्ट ईयर यानी कि लास्ट ईयर भी नहीं, इस ईयर अप्रैल में एक कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में केस फाइल की गई थी जिसका मैं यहाँ पे कॉपी लगा रहा हूँ। उसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि टोटल 53 डॉक्टर्स थे जिन्होंने सीपीएस किया था, मतलब कि डिप्लोमा कोर्स किया था कॉलेज ऑफ फिजिशियन एंड सर्जन मुंबई से, दैट इज सीपीएस उन्होंने किया। एंड उसके बाद जब वो डीएनबी के एग्जाम देने गए तो उन्हें एग्जामिनेशन नहीं देने दिया गया, उनकी फॉर्म भी सबमिट नहीं की गई। इस पे उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक पीएलई फाइल की थी और उस टाइम पे आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू इस पे फैसला दिया गया था। फैसला ये हुआ था कि आप डीएनबी पीडीसीईटी यानी कि पोस्ट डिप्लोमा सीईटी कर सकते हो। इस नोटिस में आपको मैं यहाँ कॉपी लगा रहा था, आप इसको प्रिंट भी करा के देख भी, स्क्रीनशॉट लेके चेक भी कर सकते हो, या डायरेक्टली अगर गूगल पे भी सीपीएस अप्रैल को अप्रैल केस करके सर्च करोगे तो आपको वहां पे भी इसकी कॉपी मिल जाएगी। आप आराम से इसको चेक करके जस्टिफाई कर सकते हो। ये पूरा 100% प्रूफ है, मतलब कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए निकल के आती है यहाँ से वो ये है कि अगर आप सीपीएस कर रहे हो एमसीआई रिकॉग्नाइज ब्रांच से कर रहे हो तो यू आर अलाउड टू डू पीडीसीईटी। जी हाँ, आप पोस्ट डिप्लोमा सीईटी का एग्जाम दे के अपनी डिग्री ले सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। वहीं पर अगर मैं बात करूं एफसीपीएस के लिए तो एफसीपीएस की चीजें अभी भी दुविधा में है, मतलब कि अभी उस पर फाइनल स्टेटमेंट नहीं आया है कि आप कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, ये चीजें पेंडिंग में है। बट जैसे उस पर कोई रिस्पॉन्स आता है, चीजें होती है, वी विल बी द फर्स्ट टू अपडेट यू। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप कॉपी यहाँ से ले सकते हो या आप डायरेक्टली हमें व्हाट्सअप करोगे तो अभी हम आपको बता देंगे, कॉपी आपको हम सेंड कर देंगे, आप चीजें वेरीफाई कर सकते हो। एज वेल एज मैंने अपने टेलीग्राम के लिंक में भी इस कॉपी को अपलोड करके रखा था, वहां से भी इसको एक्सेस कर सकते हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और फैक्ट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।